तो गाइज हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ। पता नहीं मुझे कौन है क्या नहीं, क्या फेमस है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका जो ड्रेसअप है ना ये बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोगों ने ना एक पोज लिया था, मेरे से ना देखा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, मैं एकदम से देख नहीं पा रही थी, पानी में बहुत डर लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो आज ना हम लोग सुबह सुबह निकल गए, सुबह नहीं दोपहर को निकल गए हैं घूमने के लिए। तो टाइम हो रहा है 2, तो मेरे हस्बैंड को ना गुलार बोझ वाला डैम में घूमना था और काफ़ी टाइम से हम लोग गए नहीं, मतलब मैं नहीं गई, मेरे हस्बैंड कई बार गए हैं घूमने, तो 1-1.5 महीने से मैं गई नहीं कहीं पे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आज थोड़ा घूम के आते हैं बाहर, तो फिर हम लोग घूमने गए। और मेरे हस्बैंड का थोड़ा बहुत काम भी था उधर, तो वो भी काम निपटाया हम लोगों ने। और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ऑफिस बंद करके घूमने जाना हो रहा है इनका, बट आज संडे था तो इसलिए संडे को मेरे हस्बैंड का भी काम थोड़ा कम रहता है। वैसे तो काम कम ही रहता है, अभी घर का काम तो घर का ही होता है ना, घर में बैठ के अपना ऑफिस तो हल्का ही होता है, लेकिन फिर भी संडे के दिन सबके लिए एक होता है ना, संडे छुट्टी छुट्टी वाला दिन। तो गाइज़ हमने चित्तम को भी ले लिया है और बारिश देखो रिमझिम बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, पता नहीं वहाँ जाके ना बारिश होगी कि नहीं मुझे नहीं पता। और माधव बहुत मज़े में है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत उसको मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम के बाद कार में घूमने जा रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत खांसी है उसको, तो डॉक्टर के पास भी लेके जाऊंगी मैं, बहुत कुछ सोचा है आज। और मैंने अपने पति को भी खिलाया। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ हमारे ऑन द स्पॉट पे। तो ये है गोलार बोझ डैम, मुझे नाम अच्छे से पता नहीं, बोझ पता नहीं क्या है, जो भी है बहुत, मैं एक बार आई थी यहाँ पे घूमने मतलब मेरे जीजा दीदी लोग के साथ, तो आज सेकेंड टाइम है आना। तो यहाँ पे ना मज़ा आता है घूमने में, देखा है मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे देखने लायक, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है डैम, बहुत पानी होता है यहाँ पे। और ये पता नहीं ये कहाँ से आ गई थी मुझे नहीं पता, और इसके साथ बहुत लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो पता नहीं मुझे कौन है क्या नहीं, क्या फेमस है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका जो ड्रेसअप है ना ये बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर ड्रेसअप किया था इन्होंने, बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो एक लग रही थी बारबी डॉल जैसी। तो मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा और थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट लिया, तो सब लोग ना मतलब बोल रहे थे फ़ोटो लेने के लिए, तो बट मेरे को मन नहीं हो रहा था, ऐसी ही सुंदर लग रही थी बहुत, मैंने इनका सिनेमेटिक लिया। और यहाँ पे थोड़ा बहुत वो अपना रील्स बना रही थी, तो हम यहाँ चले। पता नहीं मेरे को बहुत लोग बोलते हैं मैं जानता हूँ आपको, लेकिन मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे कोई नहीं जानता, कोई मुझसे बात नहीं करता, सीरियसली कभी करके देखो, कोई अगर मुझे जानता है तो मुझसे बात करके देखो, अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी नहीं हूँ, रूडली टाइप की नहीं हूँ, कोई मुझसे बात करता है तो मैं बात करती हूँ। तो अभी ले लिया है रोहित ने माधव को, हर कोई ले रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो थकान कम हो जाती है। और हम लोगों ने ना एक पोज लिया था, मेरे से ना देखा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, मैं एकदम से देख नहीं पा रही थी, पानी में बहुत डर लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। मेरे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, मतलब ज़्यादा ये जो झरना टाइप का है ना ये देखने में बहुत डर लगता है मुझे। तो मैंने अपने पति को बोला थोड़ा बहुत शूट कर दो मेरा थोड़ा सा, तो ये पता नहीं कौन सा शूट ले रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यही वाला अच्छा लगा, तो यही वाला मैंने बोला कि ये वाला मैं रील बनाऊंगी इसका। लेकिन पास में ना कूड़ादानी आ गया, ये बहुत गलत था सीरियसली। और काफ़ी सारे मेरे हस्बैंड ने शॉट लिए काफ़ी सारे, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा पसंद आया वो थोड़ा ही मैंने एडिट वेडिट करके छोड़ा। और अभी हम दोनों यहाँ पे बैठ गए हैं थोड़ा इन्जॉय करने के लिए, पानी देख रहे हैं, लेकिन बहुत डर भी लग रहा है पानी देख के, ऐसा लग रहा है कि मैं डर मतलब गिर ना जाऊँ। और ये देखो इनका भैया बहुत ही ज़्यादा खौफ चलता है मेरे वीडियो में, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के वीडियो मतलब बनवाते हैं मुझसे, वीडियो बोलते हैं कि मैं ऐसे चलूँगा तो मेरा वीडियो बनाना ठीक है नहीं झूठ है, वो ऐसे ही करते हैं तो मैं अचानक से बना देती हूँ। यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा था, यहाँ पे वीडियो भी बन रहा था, तो हम लोग फ़ोटो देख रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे अपने सब कुछ। और फ़ोटो शूट मतलब सबके पास अच्छा खासा ही फ़ोन है, तो हम फ़ोटो शूट ही बोल देते हैं इसको,
तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ ऊपर की ओर, अब घर जाने वाले हैं क्योंकि हो गई है बहुत टाइम। माधव को नींद आ गई है अभी के लिए।